तो दोस्तों यदि आप लोग अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को भूल चुके हैं, अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है कि आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड क्या है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक है जिसके मदद से आप लोग आसानी से फेसबुक का पासवर्ड को पता कर सकते हैं, लेकिन काफी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को जल्दी जल्दी में स्किप कर करके देख लेते हैं और बाद में वो लोग कॉमेंट करके कहते हैं कि पासवर्ड पता नहीं चला, ठीक है। तो जो ट्रिक है उसको आपको अच्छे से समझना है, तभी आप लोग पासवर्ड को पता कर सकते हैं। तो चलिए, किस तरह से आप लोग अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को पता कर सकते हैं अगर आप लोग भूल चुके हैं, तो वो हम आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फेसबुक को आपको ओपन करना है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन है या अगर आपका लॉगिन भी नहीं है, फिर भी आप लोग पासवर्ड को पता कर सकते हैं, केवल आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन करना है, उसके बाद आपको मेन प्रोफाइल में आ जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे मेन प्रोफाइल में आ जाइएगा तो कुछ इस तरह से आप लोग पेज में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आपको ध्यान से समझा देते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको थ्री लाइन में क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस थ्री लाइन में क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह से आप लोग पेज में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना। जैसे आप लोग सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी करके एक ऑप्शन मिलेगा। इसी सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपको क्लिक करना और सारा प्रोसेस आपको ध्यान से देखना, कोई भी गलती नहीं करना। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अलग से सेटिंग करके एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी में हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नया ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, सी मोर इन अकाउंट सेंटर का। इसी सी मोर इन अकाउंट सेंटर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे घूमेगा, इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको क्लिक नहीं करना है। आप लोग को कहाँ पे क्लिक करना है, इसी में आपको क्लिक करना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी करके जो ऑप्शन मिलेगा, इसी में आपको क्लिक करना है और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आप लोग पेज में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कहाँ पे क्लिक करना है वो आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, इसी में आपको क्लिक करना है और इसी से आप लोग पासवर्ड को पता कर सकते हैं। चलिए, हम लोग किस तरह से पता करेंगे उसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम लोग जैसे चेंज पासवर्ड में क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोग पेज में आ जाइएगा। तो अगर आपका इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ लिंक रहेगा तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम भी शो हो जाएगा और ये हमारा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम भी शो हो रहा है, लेकिन हम लोग को फेसबुक का पासवर्ड पता करना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे फेसबुक में क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे फेसबुक में क्लिक किए हैं, उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे पेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ से आपको बीच से बैक आ जाना है। जैसे आप लोग बीच से बैक आ जाइएगा तो यहाँ पे हम लोग फिर से उस पेज में जा सकते हैं। तो यहाँ पे बीच से हम बैक आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको क्रोम को ओपन करना है। जैसे आप लोग क्रोम को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप लोग क्रोम को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि थ्री डॉट का जो ऑप्शन मिलेगा, इसी थ्री डॉट में आपको क्लिक करना है। सारा प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेटिंग में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आप लोग पेज में आ जाइएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग इस पेज में आ जाइएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका कौन सा स्टेट है। अच्छा लगेगा कि हमारा वीडियो यहाँ यहाँ देखा जा रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कौन सा स्टेट है, कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगेगा। और आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, एक छोटा सा बटन दबाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड मैनेजर करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड मैनेजर करके जो ऑप्शन मिलेगा, इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पासवर्ड करके ऑप्शन मिलेगा, इसी सर्च पासवर्ड में आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग सर्च पासवर्ड में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है फेसबुक, FACE, जैसे फेसबुक लिखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं facebook.com करके यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन काफी लोग यहाँ पे जो फेसबुक लिखिएगा तो काफी लोगों का यहाँ पे हो सकता है रिजल्ट शो ना हो, यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे आपको ना हो और फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पे आपको शो ना हो, तो तब आपको किस तरह से करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें आपको क्लिक करना है और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपका मोबाइल का लॉक है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे में पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड आपको देखना किस तरह से, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन मिल रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप लोग पासवर्ड को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉपी करने का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसी कॉपी करने वाले में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पासवर्ड आपका कॉपी हो जाएगा और हम लोग फेसबुक को बीच से कट कर दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फिर से हम लोग यहाँ पे फेसबुक में चले जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे फेसबुक में चले गए हैं तो यहाँ पे करंट पासवर्ड में क्या करना है कि जो पासवर्ड वहाँ पे मिलेगा करंट पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना। जैसे आप लोग यहाँ पे करंट पासवर्ड डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हम करंट पासवर्ड यहाँ पे जो कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग पेस्ट कर दिए, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आप लोग फेसबुक का पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है और दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है। दोनों जगह सेम पासवर्ड डालना है, जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं और जो आपको पासवर्ड क्रोम में मिला था यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड में क्लिक करना है, आसानी से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और जो पासवर्ड आप लोग बनाइएगा वो आपका बन जाएगा।
लेकिन काफी लोगों को हो सकता है कि क्रोम में पासवर्ड नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि क्रोम में जो पासवर्ड मिले वो गलत पासवर्ड मिले, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड का जो ऑप्शन मिल रहा है, इसी में आपको क्लिक करना होगा और इसी से फॉरगेट करके आपको पासवर्ड को चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसका ये वीडियो हम अलग से बना दिए हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे जो वीडियो शो हो रहा है इधर या इधर एक वीडियो शो हो रहा है उसको आप लोग देख लीजिए, उस वीडियो में हम आपको इसी तरह से सिंपल स्टेप में बताएं कि किस तरह से आप लोग पासवर्ड को फॉरगेट करके चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद है। आपको क्रोम में पासवर्ड मिला कि नहीं आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिए।